ज्योतिष आचार्य जी, मार्च महीना समाप्त होने वाला है, इसके बाद अप्रैल महीने का पहला सप्ताह जो है वह जल्द ही शुरू होने वाला है, तो इस सप्ते में 12 राशियों का राशिफल कैसा रहने वाला है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। अब नए सप्ताह का शुरुआत हो रहा है और नए सप्ताह के साथ ही यही अप्रैल में ही हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो जाएगा, तो इस पहला सप्ताह में मेष राशि वालों का स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में गिरावट हो सकता है, आर्थिक लाभ का तो योग नहीं है, लेकिन कोई फैसला लेने के पहले सोच लें, जल्दीबाजी न करें। वृषभ राशि वालों का मिला जुला रहेगा, पदोन्नति का तो योग है, पदोन्नति होगी, लेकिन खर्च में आप कंट्रोल करके रखेंगे तो आपकी उन्नति निश्चित है। मिथुन राशि वाले का शुभ रहने वाला है, परिवार में निश्चित खुशहाली रहेगी, पारिवारिक सुख बने रहेंगे, मंगल कार्य का भी योग बन रहा है। मिथुन राशि वाले का निश्चित रूप से शुभ रहेगा और कर्क राशि वालों का भी यह सप्ताह शुभ रहने वाला है। कैरियर कारोबार में पदोन्नति होगी, भूमि वाहन खरीदने का योग बन रहा है और नए व्यवसाय करने का भी योग बन रहा है। सिंह राशि वाले का फंसे हुए पैसे तो वसूल होंगे, लेकिन कड़ी मेहनत करनी होगी और जल्दबाजी न करें। कन्या राशि वाले का यह सप्ताह नकारात्मक रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं रहेगा और न ही ज़्यादा खराब रहेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार खराब हो सकता है, इसलिए जीवन साथी के साथ आप व्यवहार बना करके रखें। तुला राशि वाले का भी यह सप्ताह नकारात्मक रहने वाला है, कोई भी कार्य आप सोच समझ करके करें, इसलिए भाग दौड़ का भी योग बन सकता है। वृश्चिक राशि वाले का यह सप्ताह नकारात्मक रहने वाला है, आत्मविश्वास की कमी रहेगी, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें, आपका कार्य बिगड़ सकता है यदि आप विश्वास के साथ कोई कार्य नहीं करेंगे तो। धनु राशि वाले का सकारात्मक रहने वाला है, आर्थिक लाभ के साथ साथ आकस्मिक धन लाभ का भी योग बन रहा है, लेकिन विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। मकर राशि वाले का सकारात्मक रहने वाला है, यह सप्ताह आपके परिवार में खुशहाली होगी, पिता का सहयोग भी मिल सकता है और मांगलिक कार्य भी होने के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि वाले का यह सप्ताह नकारात्मक रहने वाला है, शत्रु परेशान कर सकते हैं, आप कोई भी कार्य करने के पहले सोच विचार करके ही कोई कार्य करें। मीन राशि वाले का यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है, वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा और यदि आप कुमारे हैं तो विवाह का भी योग बनेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको हनुमान जी की आराधना करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें एक बार भगवान हनुमान का नाम लेना अति आवश्यक है।